भारत को यूनाइटेड नेशन से वीटो पावर, जी हां साहब, जो 75 सालों में नहीं हो सका वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में ही यहां पर वीटो पावर दिला दिया। और कैसे हुआ है? यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री मोदी का आपने भाषण सुना होगा और उस भाषण में उन्होंने जिक्र किया था P5 का। लेकिन वो P5 का जिक्र करते ही दुनिया के जो बड़े देश थे उनमें मच गई खलबली। तो प्रधानमंत्री मोदी का म्यूनिख भाषण और P5 पे जो पावरफुल 6 है उसमें भारत के एंट्री, ये आपको दिखाऊंगा। आज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं एमके मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जय हिंद लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, 1945 में यूएन का गठन हुआ था, 1945 से लेकर आज तक यूनाइटेड नेशन में किसी भी नेता ने भारत के इस धक जिस जज्बे से प्रधानमंत्री मोदी ने बात रखी है किसी ने रखी थी। और वीटो पावर यानी जो पावरफुल 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, और चाइना हमेशा इसे वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आज उसी चाइना को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर वहां पर लथेड़ दिया है। तो चलिए ये छपता हूं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर। आज ये भारत की वीटो पावर वाले वीडियो को, जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वीटो पावर मिलने जा रही है, आप हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज भारत अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, रशिया जो वीटो पावर देश हैं, उन सबको ताल ठोक करके आप सीधे मंच पर वीटो पावर का किस प्रकार से अपने बातों को रखा, उसके बाद मोहर कैसे लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र में महासभा के वार्षिक सत्र के संबोधन करते हुए वैश्विक संस्था के स्वरूप के समय के मुताबिक बदलाव की जो मांग उठाई, उससे पूरी की पूरी दुनिया सकते में आ गई। चीन की हवाइयां उड़ गई, पाकिस्तान मातम में है। और इस बीच और जो देश अमेरिका हमेशा से चाहता रहा इस समय कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, रशिया भारत के साथ है, फ्रांस भारत के साथ है, तो आखिर यहां पे दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने मुताबिक कहा कि सुरक्षा में भारत की जो अस्थायी सदस्यता को लेकर जोरदार तारीख के तहत दावेदारी पेश किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में मौजूद प्रासंगिक जो उस पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आज पूरे विश्व समुदाय में जो सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था जब स्वरूप जो क्या था प्रासंगिक था, और पीएम दुनिया ने भारत के प्रभाव को गिनाते हुए पूछा कि आखिर सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के 18% जो आबादी है वाले देश को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, आखिर कब तक। आज तक मैं आपको बता दूं, देश का कोई भी प्रधानमंत्री इतना खुले तौर पर मंच पर नहीं बोला, और साफ तौर पर उन्होंने P5 यानी P6 में भारत की एंट्री के रास्ते को लेकर के जो बार बार बात उठ रही थी उसको ऐसे मंच पर खड़ा कर दिया, ऐसे मंच पर रख दिया जहां पर पाकिस्तान चीन की हवाइयां उड़ गई। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा 1945 था, आपको बता दूं 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, 1945 में अमेरिका के इसका मेन वो था जिसके गठन हुआ था 1945 के। उन्होंने कहा 1945 की दुनिया निश्चित आज से बहुत अलग थी, पूरा वैश्विक माहौल, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे, और ऐसे में विश्व कल्याण को भावना के साथ जिसका संगठन का मतलब जिसका गठन हुआ थी संस्था का, उसका जिस स्वरूप में साथ में उसका मुताबिक था, लेकिन आज हम अलग दौर में जी रहे हैं और 21वीं सदी में हमारे वर्तमान और जो है और भविष्य की आवश्यकताओं का और चुनौतियां अलग हैं। आज पूरे विश्व के समुदाय के सामने एक बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था जब स्वरूप, क्या आज का स्वरूप प्रासंगिक है, सही बदल जाए और हम ना बदले और बदलाव की ताकत को कमजोर पड़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा यदि हम पिछले 75 सालों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों को देखें तो कई दिखाई देती हैं, लेकिन अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता
पड़ती है। पीएम ने यह भी कहा कि यह बात सही है कहने को कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अनेक युद्ध में है, अनेक गृह युद्ध में है, कितने भी आतंकी हमलों से खून की नदियां बहती रही हैं। इन युद्ध में, इन हमलों में जो मारे चल गए हैं, जो चले गए हैं, आखिर उनके साथ क्या होगा? वो हमारी आपकी तरह भी इंसान थे, जितने जो वो मासूम बच्चे जो थे, जिन्हें दुनिया घर से जो सपना देख रहे थे उन्हें घर छोड़ना पड़े, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन भर की पूंजी उन्हें गंवानी पड़ी है, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा है। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास जो हैं क्या पर्याप्त थे? बड़ा सवाल पूछा उन्होंने। पीएम ने कहा वो लाखों बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों ने अपने जीवन भर की जो पूंजी थी उसको गंवाई। आखिर उस समय में और आज में क्या संयुक्त राष्ट्र के जो प्रयास हैं वो पर्याप्त हैं? पीएम मोदी ने कहा कि इसमें पिछले 8 से 9 महीने में विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है, एक प्रभावशाली रिस्पा कहाँ है, और इसके अलावा इस पर एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज के समय की मांग है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के लोग भी इससे चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी सतर संगक अंजाम तक पहुंच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र की नीति निर्माता ढांचे से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% जो जनसंख्या है उससे ज्यादा है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, अनेकों पंथ, अनेकों विचारधाराएं हैं, जिस देश में वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के वर्षों की गुलामी दोनों को जिया हो, जिस देश में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव दुनिया के एक बड़े हिस्से पर पड़ता हो, उस देश का आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? इस कब तक वाले भाषण में प्रधानमंत्री ने वो सब कुछ कह दिया जो वीटो पावर के लिए भारत के लिए जरूरी है। उन्होंने एक बात और एक लाइन बहुत अच्छा तरीके से कहा, 2-3 चीजें समझिएगा। उन्होंने कहा कि भारत को आखिर कब से इंतजार करना पड़ेगा? पूरे विश्व की आबादी 760 करोड़ है, जिसमें भारत की आबादी 130 करोड़ है। यह कुल आबादी का 18% है, और कुल आबादी की 18% जनसंख्या जो बहुत बड़ा रूप वो होता है विश्व में। तो ऐसे में जहां 200 से भी ज्यादा देश हैं और महज 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है, तो क्या भारत इसके लिए, आज भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए? अगर भारत में कुछ होता है तो इसके सीधे तौर पर इंपैक्ट कहां पड़ता है? इसका सीधे तौर पर इंपैक्ट पूरे विश्व को पड़ता है। आज कोरोना काल है। इसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल पूछा, उस सवाल से पूरा का पूरा जो विश्व समुदाय है वो हिल गया। उन्होंने कहा 1945 में विश्व समुदाय का उसमें यूएन का गठन हुआ था। 1947 के गठन के बाद, माफ कीजिए, 1945 में गठन हुआ था। 1945 के गठन के बाद कितने बदलाव किए गए हैं यूनाइटेड नेशन, क्या कुछ हुआ यूनाइटेड नेशन में, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को क्या ये कहा जा सकता है कि 1945 का जो दुनिया थी, 2020 का जो दुनिया है, दोनों एक है? क्या दोनों में मानक नहीं बदला होना चाहिए? क्या इसमें अब परिवर्तन नहीं होना चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पूछा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। और ये अब खबर ये आ रही है कि भारत जल्द जो P6 यानी पावरफुल 5 है उसमें छठा देश भारत बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही नहीं यूनाइटेड नेशन के मंचों पर बात की है। इसमें सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा कुछ और भी है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े देश हैं चीन को छोड़ करके, बाकी 4 वीटो पावर देश की हामी है कि वो चीन ही है जो बार बार अड़ंगा लगा देता है। लेकिन अब की बार ये, क्योंकि ट्रंप भी इससे काफ़ी खफा हैं और मोदी भी जानते हैं कि कब लोहे पर वार करना है, लोहा कब गर्म है, और इस समय लोहा गर्म है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया है। और भारत को वीटो पावर बनने में अब कोई नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को मिलेगी वीटो पावर, अब भारत पावरफुल 6 में शामिल होगा यूनाइटेड नेशन में। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से साफ तौर पर यह संदेश गया पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया अभी जानती है कि भारत अब
एक ऐसा देश बन चुका है जहां उसे अब इस हालत में उसे हम इस तरह से पीछे नहीं छोड़ सकते, इस तरह से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए बने रहिए ओनली न्यू नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।